फास्ट जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पाए सबसे तेज जॉब अलर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फास्ट जॉब अलर्ट और बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने बीसी, ईबीसी और एसटी कैंडिडेट के लिए स्कॉलरशिप 2019 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दी है। आइए जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 12 फरवरी 2019 से स्टार्ट हो चुका है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 5 मार्च 2019 है। आइए जानते हैं स्कॉलरशिप के लिए पात्रता क्या होगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हो, प्रवेशी कोतोर कक्षाओं में अध्ययनरत हो, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा हो और इसके लिए अर्हता जो है माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 1,50,000 रुपए हो। आइए जानते हैं एसटी कैंडिडेट के लिए अनुसूचित जनजाति कोटि के छात्र हो और माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 2,50,000 रुपए हो। आइए जानते हैं आवेदन करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास विगत वर्षों का क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट होना चाहिए और अदर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, साथ साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक होना चाहिए, फी रिसिप्ट की कॉपी होना चाहिए, एक आधार कार्ड और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज स्कैन फोटो होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं अत्यधिक जानकारी और अप्लाई करना तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.fastjobsearcher.com। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाले इस प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल फास्ट जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।